आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का ये क्यू एन ए वीडियो, जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। 5 जनवरी 2022 के दिन हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसके बारे में जो लॉकडाउन से रिलेटेड डिसीजन लिया गया उसको भी मैं इसमें क्लियर करूंगा। और अगर आप पूरी तरह से उस डिसीजन को देखना चाहते हैं तो मेरे कल के वीडियो को जाकर के देख लीजिए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करिए और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कैबिनेट का पूरा फैसला उसमें आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके आपके सवाल लेना, और इन सवालों के जवाब को लेने के बाद आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता हो तो वीडियो पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। 10 सवालों के जवाब के साथ साथ एक बोनस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल कर रही हैं रूपाली दास जी, रोहतांग पास नॉर्थ पोर्टल जा सकते हैं क्या? 18 जनवरी से 22 जनवरी का प्लान है, क्या करें? रूपाली दास जी, मैं आपको बता देता हूं कि रोहतांग पास के अंदर कोई भी नॉर्थ पोर्टल नहीं है। अटल टनल के अंदर नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल है जहां पे आप जा सकते हैं। आई थिंक आप कंफ्यूज हो गई होंगी, और नॉर्थ पोर्टल आप इजीली जा सकती हैं अगर वहां पर जाने की परमिशन हो। वैसे 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में वहां पर संभावना बन रही है तो आप जा पाएंगे। दूसरा सवाल लेते हैं, मीना मसूर जी पूछ रही हैं दिल्ली से वॉल्वो मनाली जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 जनवरी के कैबिनेट का जो फैसला हुआ है उसमें क्लियर बताया गया है कि एंट्री ऑफ बसेस इंक्लूडिंग ऑफ वॉल्वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली जा सकती हैं। अब ले लेते हैं तीसरा सवाल, श्रीदेवी देवा कुमार जी पूछ रहे हैं सर आई हैव बुक्ड द पैकेज फ्रॉम यू और 13 जनवरी 22 ड्यू टू कर्फ्यू देयर विल बी एनी प्रॉब्लम? कर्फ्यू जो लगने वाला है वो लगने वाला है रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच में, जिस टाइम आप होटल के अंदर रहते हैं, उसकी वजह से किसी भी तरह की समस्या अभी आने वाली नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, सुनीता पाटिल जी पूछ रही हैं सर एक्टिविटी चालू रहेंगी क्या? बिल्कुल एक्टिविटी चालू है, कहीं भी आप जाएं, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मनाली, एक्टिविटीज पर भी किसी तरह का बैन नहीं है। पांचवा सवाल ले लेते हैं, अशरफ खान जी पूछ रहे हैं रोहतांग पास जा सकते हैं क्या एंड ऑफ जनवरी? तो अशरफ खान जी, बताया था आपको रोहतांग पास जो ओपन होता है वो आपका लगभग मई हाफ या 20 मई के आसपास ऑन होता है, और नवम्बर में 20, तो अभी कोई भी संभावना नहीं है कि आप रोहतांग पास जा सकते हैं। आप अच्छी खासी स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं सोलांग वैली के अंदर, अटल टनल के अंदर, वहां पे जाने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी वो बंद पड़ा हुआ है। अगला छठा सवाल ले लेते हैं, कृष्णा माधव जी पूछ रहे हैं नीड इन्फॉर्मेशन ऑफ मनाली टूर पैकेज फॉर कपल विद 2 किड्स बिलो 5 ईयर्स प्लीज गाइड अस। तो कृष्णा जी, मैं आपको बता देता हूँ कि YT भारत चैनल पर बहुत सारे मनाली, शिमला, कश्मीर, ओली, अलग अलग डेस्टिनेशन के पैकेजेस ऑलरेडी मैंने लाइव कर रखे हैं, जाइए देख लीजिए। और अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट लेनी हो, आपको वीडियो नहीं दिख रहा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर देने जा रहा हूं, जाइए उनको कॉल करिए या व्हाट्सअप कर दीजिए और सारी डिटेल मंगवा करके अगर अच्छा लगे तो आप पैकेज को बुक करा लीजिए और कोविड प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। अब चलते हैं, एस के वसीम अकरम जी पूछ रहे हैं सर मई मंथ में कहाँ मिलेगा स्नोफॉल? तो एस के वसीम अकरम जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मई के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप मई के एंड में जाइए तो आपको मनाली के अंदर स्नोफॉल मिल जाएगा रोहतांग पास पर, और अगर आप जाते हैं कश्मीर तो वहां पर आपको स्नोफॉल मिल जाएगा गुलमर्ग के अंदर, इस नवंबर के आसपास बंद हो जाता है तो आप वहां पर होकर के आइए। अब ले लेते हैं अगला सवाल, 8वें नंबर का सवाल, शॉर्टकट जी पूछ रहे हैं हेलो सर मेरा पैकेज बुक है 20 जनवरी का मनाली का, बट कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है, जा सकते हैं कि नहीं या बंद कर दिया जाएगा, इस पे कुछ अपडेट दें सर हमें। तो शॉर्टकट जी, मैं आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी 5 जनवरी 2022 के दिन का जो फैसला था उसका वीडियो मैंने ला दिया है, और YT भारत पर आपको हमेशा से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहती है, चाहे वो स्नोफॉल के आपके व्यूज हो, चाहे वो लॉकडाउन के आपके कोई इंफॉर्मेशन हो या आपका स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो हो, आप लोगों को बस एक ही करना है, जो भी YT भारत को इस टाइम वॉच कर रहे हैं, वीडियो को वॉच करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। मैं आपके लिए इंडिया के सारे डेस्टिनेशन, जो भी आपके फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है, उनके पैकेजेस लाता हूं, उनके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाता हूं, इसके साथ साथ इंडियन रेलवे के रिलेटेड भी ट्रेनों की इंफॉर्मेशन भी लाता रहता हूं। तो अगर आपको अप टू डेट रहना है तो वीडियो को साथ साथ देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और अप टू डेट रहें। अब चलते हैं आगे, मनाली के अंदर अभी कोरोना केसेस तो बढ़ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी लॉकडाउन की कोई सिचुएशन नहीं है, 10 रात्रि से लेकर के सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन है,
बसेज भी चल रही हैं, तो कोरोना केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, खास करके हिमाचल के अंदर। तो आप जा सकते हैं और आप कोविड के प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें, मास्क लगा करके रखें, हैंड सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। इन सबको फॉलो करते हुए आप आराम से विजिट कर सकते हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। अब चलते हैं 9th नंबर का सवाल ले लेते हैं। अमोल मडावी जी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ तो नहीं रहे हैं, हॉर्स राइडिंग रिस्की है, इंजर्ड माई लेफ्ट लेग 24 दिसंबर 2021, बी केयरफुल वाइल हॉर्स राइडिंग। एक्चुअली दोस्तों मैंने शिमला का एक वीडियो डाला था, जिसमें जब हम लोग शिमला गए थे तो मेरे एक रिलेटिव को वहां के घोड़ सवारी के दौरान जब हम लोग घोड़े में गए कुफरी, तो वहां पर भगदड़ के अंदर वो लोग रेस लगा रहे थे आपस में और वो हिट कर गया मेरे रिलेटिव के लेग में और बहुत प्रॉब्लम हो गई। इस रिलेटेड मैंने वीडियो बना करके डाला था। तो इनके साथ भी सेम यही घटना हुई है 24 दिसंबर 2021 के दिन। आपको आगाह कर रहे हैं और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बहुत रिस्की है कुफरी के अंदर। अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर हॉर्स राइडिंग करिए, नहीं तो वहां पे एक ऑप्शन और होता है, आप जीप के द्वारा भी जा सकते हैं सेम कॉस्ट के अंदर। तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप उसी को फॉलो करें, घुड़सवारी ना करें। पैदल आप जा नहीं सकते तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, और अगर आप जा रहे हैं घुड़सवारी तो अपने रिस्क पर जाइए और जो आपका हॉर्स राइडर है उसको बोल दीजिए, जो भी हॉर्स चला रहा है, कि भैया सेफली कॉर्नर से ले जाए और बिना रिस्क के। अब चलते हैं 10वें नंबर सवाल पर। शिवानी त्रार जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, पैकेज की बुकिंग कितने दिन पहले करनी होती है? तो शिवानी जी मैं आपको बता देता हूं, काफी हद तक डिपेंड करता है क्या सीजन चल रहा है। जैसे भी स्नोफॉल का सीजन चल रहा है और फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा संभावना होती है कि मोस्टली होटल सोल्ड आउट हो जाते हैं। जैसे न्यू ईयर पे आपका होटल सोल्ड आउट चल रहे थे, लगभग पूरा दिसंबर होटल सोल्ड आउट रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। होटल जो अवेलेबल हो रहे थे वो भी हाई कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहे थे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, किसी भी सीजन में आप अगर पैकेज ले रहे हैं मनाली का या कहीं का भी, तो आप कम से कम एक महीने तक का पैकेज लीजिए पहले से, यदि आप वॉल्वो बस के थ्रू जा रहे हैं। और अगर आप वाया एयर ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, तो फ्लाइट के टिकट को सेव करने के लिए वहां की मनी को कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही पैकेज बुक करा लीजिए और होकर के आइए। अब चलते हैं, आपको ये 10 सवाल मेरे पूरे हो गए जिसका मैंने आंसर दिया। फिर भी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है लॉकडाउन से संबंधित, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं YT भारत पर कमेंट करके। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं और देता भी हूं। अब आपको एक बोनस सवाल जो कॉमन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वो एक कॉमन आंसर है, बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आप मनाली जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो क्या वहां पे ई पास की जरूरत है? तो मैं क्लियर कर देता हूं, अभी तक ई पास की जरूरत नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको ई पास चाहिए। दूसरा सवाल ये है, क्या RT-PCR चाहिए? तो दोस्तों अभी वैसे अगर देखा जाए तो RT-PCR अभी कहीं भी कोई मांग नहीं रहा है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो आप RT-PCR की कॉपी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी भी आपसे एंट्री करते वक्त स्टेट बॉर्डर पर RT-PCR पूछा जा सकता है। और एक चीज, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपने दोनों डोज लगवा ली है तो दोनों का सर्टिफिकेट ले जाइए, एक भी लगवा ली है तो एक का ही सर्टिफिकेट ले जाइए, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो RT-PCR कम से कम 72 घंटे पहले तक का लेकर के जाइए, नहीं तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप बॉर्डर पर फंस सकते हैं। और रात के टाइम में अभी हिमाचल प्रदेश में एंट्री ना करें। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 10 से पहले ही आप हिमाचल के अंदर एंट्री कर लें, मनाली के अंदर एंट्री कर लें, और खास करके होटल के अंदर एंट्री कर लें, वहां पर आप पहुंच जाएं 5 बजे के बीच, 10 से लेकर के रात के 5 बजे तक के बीच में आप रोड पर ना रहें, होटल में ही रहें। इस तरह के अरेंजमेंट करके आप जाइए मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला। लेकिन एक ही मैं आपको जवाब दूंगा कि आप कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क हमेशा लगा करके रखें, हैंड को सैनिटाइज करके रखें, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने साथ कुछ दवाइयों को जरूर कैरी करें। आपका आगे का ट्रेवल बहुत ही सेफ रहेगा, ऐसी मैं कामना कर सकता हूं। मिलते हैं YT भारत के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में। लगातार मैं स्नोफॉल प्रेडिक्शन की वीडियो लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको इंडिया में कहीं का भी टूर पैकेज बुक कराना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप करिए,
कॉल करिए, जानकारी हासिल करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।